सुबह यानी कि पिछले वीडियो के अंदर ही बोल दिया था, साफ साफ क्लियर क्लियर बोल दिया था, ये शर्ट के अंदर बोला था, ये पेन हाथ में थी, साफ साफ क्लियर क्लियर बोल दिया, जो मतलब शाम में रिपोर्ट आएंगी लेटेस्ट स्टूडेंट इंटरव्यू किसको कितने कितने मिले वो आपको हिला के रख देंगी, वो आपको शॉक में डाल देंगी। लेकिन जो नेक्स्ट आप सभी को बताने वाला, जो दिन भर पब्लिक जो वोट करेंगी, वोटों की बारिश करेंगी, जो शाम में जो अपडेट देने वाला हो वो आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया, क्योंकि वोटों की बारिश होने वाली है। क्योंकि आप सब बता दो अभी की जो रिपोर्ट निकल कर आ रही किसको कितने कितने वोट मिल चुके अभी तक, जब से आप सब जो अपडेट निकल कर आया था जियो सिनेमा पर आप एक मोबाइल से नन्ना वोट कर सकते हैं, पब्लिक जो भेड़ी थी ना फुकरा इंसान के, इलीश यादव के, मनीष रानी के फैन, उन्होंने सब कुछ फाड़ के रख दिया। मैं आपसे बताता था कि अभी तक किसको कितने कितने वोट मिल चुके, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आप पूरी तरह से मतलब आप बोलेंगे यार ये हुआ क्या, कितने सारे वोट मिल चुके हैं। तो चलो मैं आपसे फटाफट बता देता कि आखिर किसको कितने कितने वोट मिल चुके और जो पहले का जो आ रहा था ना उससे शायद डबल होते हुए नजर आ रहा। चलिए मैं आपसे फटाफट बता देता, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए क्योंकि मैं आप सभी इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपसे फटाफट बता देता किसको कितने वोट मिले, क्या चल रहा है। तो आपको सबसे पहले बता दूं पांचे पर बेबी का और चौंधे पे पूंजा पड़े, जिनके ओर मैं आप सभी को बता नहीं सकता क्योंकि इनको ओट मिल ही नहीं रहे, गजब बेइज्जती है। अगर आप बात करेंगे इस रिपोर्ट के हिसाब से तो मनीषा रानी तीसरे पे चल रही, जिनको 34 लाख प्लस कुछ ओट मिल चुके अभी तक। मनीषा रानी की बात करो 34 लाख किससे बोलते हैं, पूंजा भाट एक हीरोइन है बॉलीवुड की, उन्हें मतलब इतने क्या उसमें क्या क्या बोलेंगे, 1% भी वोट नहीं मिली जितने मनीषा को वोट मिल रहे हैं, मतलब 34,63,000 प्लस कुछ वोट मिले इस रिपोर्ट के हिसाब जो आप सभी को साइड में दिख ही रहा होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे दूसरे नंबर की तो भाई दूसरे नंबर में इस रिपोर्ट के हिसाब से चढ़ उतार हो चुका है, यानी कि दूसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है इल्विश यादव को। इल्विश यादव और फुकरेन सांगे ना पहले से मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं था आप सबको अंतर, मतलब कुछ लाखों का अंतर था, लेकिन वो अंतर तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं फुकरा इंसान और इल्विश यादव यहाँ पे दूसरे पे नजर आ रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप सभी को दिख ही रहा हूँ यहाँ पे, आप सब बता दूँ 16 मिलियन प्लस कुछ वोट मिल चुके, यानी कि 1,62,00,000 प्लस कुछ वोट मिल चुके जो आप सभी साइड में आंकड़ा दिखी रहा हूँ इल्विश यादव का। लेकिन अगर आप बात करेंगे पहले नंबर की तो पहले नंबर फुकरा इंसान आ चुके हैं, जिनको 17 मिलियन प्लस कुछ वोट मिल चुके हैं, यानी कि 1,71,00,000 प्लस कुछ जो कि आप सभी को साइड में दिख ही रहा हूँ, मतलब जो आंकड़ा है डबल हो चुका है, जो सवेरे का आंकड़ा सबसे डबल हो चुका है, क्योंकि एक एक जना नन्ना वोट कर रहा था, इसमें ज़रा सोचिए वोटिंग का आंकड़ा कहाँ जाएगा। और तो ऐसे में आपको बता दूँ इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर पहले नंबर फुकरा इंसान, दूसरे नंबर पे इल्विश यादव बताया जा रहा, क्योंकि इन दोनों में पहले से कम अंतर नज़र आ रहा था। लेकिन आपको एक बार फिर बोल देता हूँ ये रिपोर्ट 100% सही नहीं हो सकती, मतलब जो भी बता रहे जितनी भी बता रहे वो 100% नहीं होती, मिलती जुलती रिपोर्ट आती है। और ऐसे में अगर ये मिलती जुलती रिपोर्ट भी आई, हालांकि रिपोर्ट मिलती जुलती आती है मतलब ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन कंफर्म नहीं रहती, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से अभिषेक मलान पहले पर है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने किसे वोट किया और कितने बार वोट किया, वो भी कमेंट करके बताइए, अभिषेक को किया, फुकरा को किया, मनीषा को, पूंजा को, बेबी का, किसे वोट किया और आप किसे जिताना चाहते हैं। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप सभी के लिए सबसे पहले मैं ही अब वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर आप सभी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि कल 12 बजे शायद वोटिंग बंद हो जाएंगी, आपको सबसे पहले अपडेट मैं ही देने वाला हूँ किसको कितने कितने वोट मिले। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इससे जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि लोगों तक वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे।